वेलकम टू माई चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी एंड नेचुरल क्योर। आज मैं आपको एक ऐसा एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट बताऊंगी जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। ये एडवांस्ड है, जितने भी एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे ज्यादा इफेक्टिव है और ऑल इन वन कहेंगे इसको। दिस इज एक्यूप्रेशर स्पाइन एंड बॉडी मसाजर, राइट। ये मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा। देखिए, स्पाइन पर हम खुद नहीं कर पाते हैं, इससे क्या आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई सीरियस इश्यू है रिलेटेड टू योर स्पाइन नर्वस सिस्टम, और हमारा जो स्पाइन ही है उसी से जो नर्व्स जाती है फ्रंट ऑफ बॉडी, हमारा लंग्स, हार्ट, एब्डोमिन के लोअर इंटेस्टाइन, ये सभी चीजें भी कंट्रोल होती है, राइट। इसको ऐसे मैन्युफैक्चर किया गया है कि आपके जो स्पाइन है उस पर ये रोल बहुत अच्छे से होता है। इसमें क्या है, मैग्नेट फोर व्हील्स में लगाए गए हैं, राइट। तो इसके जो फोर व्हील्स हैं उनका वेट है, तो इसको जो आप स्पाइन पर प्रेस करते हुए ले जाएंगे, प्रेशर देते हुए ले जाएंगे, तो प्रेशर शुड बी मीडियम, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई सीरियस इश्यू है, मेनली फॉर बॉडी पेन, स्पाइन, सर्वाइकल, वर्टिगो, और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, वीकनेस, फटीग है, आपके लंग्स में कंजक्शन है एंड थ्रॉट इश्यू है, और इसमें वॉइस इश्यूज कुछ भी है, क्योंकि बैक से ही फ्रंट सब मैनेज हो रहा है, सबके लिए ऑल इन वन है ये। मैं सजेस्ट करूंगी आप जरूर परचेज कर लें, ऑनलाइन आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, वेरी इफेक्टिव। मैंने अपने ऊपर फुली ट्राई किया कि मुझे अपना एक्यूप्रेशर अप्लाई करके या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट जो मैं यूज कर रही थी उससे अच्छा लग रहा है या इससे, तो मैंने ये देखा, मैंने फाइंड किया कि इट इज द बेस्ट, राइट। सो इसको कैसे यूज करना है, पहले तो हमारा जो है ये नेक का कंप्लीट इश्यूज, जिनको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, राइट, वर्टिगो है, उनके लिए, और नेक पेन, और आप बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, कंप्यूटर वर्क है या बहुत लैपटॉप फोन पर आपका ज्यादा ही रहता है अटेंशन, तो उसके लिए भी आपको कम से कम डेली ये एक बार जरूर करना चाहिए। और जो फिर ऑफिस से भी ऐसा काम है आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो वंस एक बार तो मॉर्निंग में, और सोने से पहले जस्ट एक बार मैं बताऊंगी कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी, इसको हम क्या करते हैं, पहले स्पाइन के लिए है, तो हम स्पाइन पर कैसे करेंगे, देन मैं स्पाइन से ही खुद बताऊंगी आप खुद कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट यू शुड ट्राई योर सेल्फ, तो आप कैसे करेंगे, लेकिन अगर कोई सीरियस इश्यू है तो आपका जो भी फैमिली मेंबर है आप लेट जाइए, राइट, लेट जाइए, और बैक पर आपके जो है किस तरीके से करेंगे इसको, ऐसे अप डाउन पार्ट्स में करना है। पहले आपको क्या करना है, नेक टू शोल्डर, देन आपको मिडल एरिया अप टू एब्डोमिन, देन आपको नीचे तक का हमारा लोअर एरिया करना है अप टू जैसे इंटेस्टाइन है उसका बैक तक, राइट, तो आपके हिप्स तक का थ्री पार्ट। कैसे, पहले आपको नेक टू शोल्डर, देन मिडल एरिया अप टू अपर एब्डोमिन, लोअर एब्डोमिन अप टू हिप्स, ये आपका पूरा जो है स्पाइन जहां तक जाती है स्पाइनल कॉलम, तो पूरा कंप्लीट करना है। और किसी और से कराएंगे तो तब कराइए जब आपको इश्यू है, अदरवाइज आप खुद ही आराम से मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, हम देखते हैं कैसे हम इसको स्पाइन पर इसको कैसे मूव करेंगे। सो लेट्स सी, देखिए एक चीज और मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारा नेक पर ये फोर व्हील एक साथ नहीं मूव करेंगे, तो इसको हम ऐसे करेंगे, इस तरह से ऊपर के जो फर्स्ट टू व्हील्स हैं उनको हम यूज करेंगे। सो लेट्स सी, देखिए यहां पर आपको क्या करना है, इस तरीके से जहां से आपका सर्वाइकल स्पाइन, यानी ऐसे मूव करेंगे, बोन है हमारी स्पाइन की, बस यहीं से स्टार्ट करना है आपको, राइट। सो यहां पर क्या करना है, इसके टू व्हील्स यूज करने हैं ऐसे, तो इसको इस तरह से डाउन अप इस तरीके से आप अबाउट 30 सेकेंड करके इसी को पहले कंप्लीट करेंगे, राइट। हेड हमारा थोड़ा फॉरवर्ड रहेगा, आगे की तरफ थोड़ा सा हेड मूव करेंगे, देन इस तरीके से इसको स्पाइन पर सर्वाइकल एरिया से हमारा नेक कंप्लीट करेंगे, पूरा सर्वाइकल, राइट। सो इस तरह से हमारा यहां तक कंप्लीट हो जाएगा फॉर 30 सेकेंड्स, देन इसके बाद ये जो पोर्शन है हमारा यहां से लेकर हमारा यहां तक का जो एरिया है, और इस तरह से आप अप टू आपका लोअर वेस्ट एरिया कंप्लीट कर लेंगे, 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स, ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया। ये तो आपका ऐसे है कि आप खुद ही करेंगे तो आप फिट रहेंगे, लेकिन जब आपको कोई इश्यू है
तो आप क्या करेंगे, लेट जाएंगे, अपने फैमिली मेंबर को कहेंगे इसी तरह से आपके स्पाइन पर स्टार्ट से करें, राइट। ये आप, बल्कि आप खुद कर सकते हैं। नीचे का आपका ये है, कोई भी सीरियस इश्यू रहता है, बॉडी पेन रहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब मैं मेनली बताती हूँ, जिनको हार्ट से रिलेटेड इशू है, राइट, एब्डोमिन से रिलेटेड सीरियस इशू रहते हैं, ये ठीक ही नहीं रहते हैं, लोअर एब्डोमिन, इंटेस्टाइन्स, अल्सर्स वगैरह, ये सभी चीजें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, और सिर्फ ये प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी, और जो फीडिंग कराती हैं वो भी नहीं करेंगी, बाकी सभी कर सकते हैं। आपका जैसे इश्यू है ये वाला एरिया, अपर एब्डोमिन एंड लोअर एब्डोमिन, तो आपका इश्यू रहता है कोई भी टाइप का, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इश्यू, फ्लैटुलेंस, ऐसा कोई भी इश्यू है तो उसके लिए दी बेस्ट है ये, राइट। तो आपका एरिया यहां से यहां मूव करेंगे, बैक साइड, ये आप खुद कर सकते हैं, राइट। सिर्फ आपका जो ये पोर्शन है, इसमें अगर बहुत ज्यादा इश्यू है रिलेटेड टू योर लंग्स, हार्ट, एंड फीमेल का चेस्ट इश्यू, ब्रेस्ट इश्यू है, तो आपका रेगुलर, तब आप क्या करें, खुद करने के बाद किसी से घर में एक बार और करा लें, एक बार खुद ट्राई करें, एक बार एनी टाइम करा लें, जिनको भी सीरियस इश्यू है, अदरवाइज इसी तरह से मैनेज हो जाता है। आप नेक पर खुद ही कर सकते हैं और नीचे आपका आराम से कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे, राइट। यहां से आप इसको स्ट्रेट ले जाइए विथ गुड प्रेशर, राइट, इस तरीके से, इस तरह से अबाउट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट इस तरह से कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 2 मिनट, राइट। सो ये आपका 30 सेकेंड टू मैक्सिमम 2 मिनट के राउंड इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा वेटेड है, इसमें जो ये मैग्नेट लगा हुआ है ये स्पेशल है, और इससे क्या होता है, आपका कंट्रोल करता है पूरा बॉडी का फंक्शनिंग, राइट। सो अब मैं आपको शो करती हूं कि आपको इस तरीके से कैसे आप कर सकते हैं, हमारा आगे लेग्स और होल बॉडी को मसाज कर सकते हैं। सो एक चीज और है, अभी जिनको शोल्डर पेन रहता है, हैंड्स में रहता है, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, जो हमारा यहाँ सर्वाइकल इश्यू या नेक इश्यू, शोल्डर इश्यू, जिसको भी रहता है, तो यहां से हमारी नर्व्स जो होती हैं वो जाती हैं, तो जब आप इस तरह से मसाज भी देते हैं, राइट, प्रेशर से जो मसाज देते हैं, जो मैंने पॉइंट्स बताते हैं, वो आपका ये सर्वाइकल और नेक इश्यू, वर्टिगो, ये सभी को भी क्योर करता है। तो एक साथ इसी से लगाते हैं, कैसे, आप ऐसे रखेंगे आगे हाथ, अपना हैंड आगे मूव करेंगे, देन इसको इस तरीके से रोल करेंगे, इसको एक ही बार ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करें, इसको पार्ट्स में करें, राइट, स्पाइन को 3 पार्ट्स में, यहां हैंड को 2 पार्ट्स में, कैसे, इस तरह से एल्बो तक, राइट। इसको बहुत ही सॉफ्टली एकदम कि आप अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि ये एक चीज है और मैं ट्राई करूं ये हो रहा है कि नहीं, और बिल्कुल होता है, जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ तभी मैं, अदरवाइज कोई मैं ये नहीं कह रही हूँ यही लो, राइट। लेकिन जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये एक साथ इतने हमारे पॉइंट्स को प्रेस करते हैं जो हमारे हैंड से पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ये आपके बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स, रिफ्लेक्स पॉइंट एक साथ हो रहे हैं, मूव करते रहिए हैंड को, पहले ऐसे, देन थोड़ा सा हैंड मूव करेंगे, हमको कंप्लीट करना है, राइट। सो इस तरह से वन साइड पर एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स एक तरफ, देन मोड़ेंगे इसको इस तरह से रोटेट करते हुए एक साइड पर अराउंड 15 to 20 टाइम्स। क्यों? क्योंकि सभी पॉइंट्स प्रेस हो रहे हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, राइट। सो ये राइट वे है। अब आप नीचे आ जाइए, इस तरह से देखेंगे आप यहां प्रेस कर रहे हैं, लेकिन आपका जो असर है यहां से लेके पूरा, और आपका लोअर बॉडी भी पूरा आपका एकदम से देखिए बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है। मुझे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा, जितने भी मेरे पास एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट है उन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, राइट। सो बहुत अच्छा और इजीली हो जाता है, अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको जितना भी आप 10 टाइम्स भी करेंगे तो भी ठीक है, देन इवनिंग में, नाइट में जब भी टाइम मिलता है आप इसको कंप्लीट कीजिए। इसी तरह से हमारा इस पर भी बोथ हैंड्स को जरूर करेंगे, इस ये क्या कंप्लीट बॉडी मसाजर है, बट इसका जो मेनली है स्पाइन के, उससे बनाया गया है ताकि ये स्पाइन पर रोटेट इजीली हो पाए, राइट। सो इट इज वेरी इफेक्टिव। आप फुट पर कैसे करेंगे, कहां पॉइंट्स पर आपको टारगेट करके करना है वो मैं अभी आपको शो करती हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगी कि लेग पर हम कैसे करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल थाई पर तो हम इस तरीके से बैठ कर रोटेट करेंगे इसको, राइट। तो थाई का हम पहले फ्रंट पार्ट इस तरह से अबाउट 15 to 20 टाइम्स, जिनको भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इस तरह की कोई भी चीज है,
हिप्स में पेन है, कोई भी चीज, थाई में पेन है, सिटिंग प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का इश्यू आपका यही क्योर करेगा इस तरह से, देन साइड राइट। एक जिस तरह से आपको प्रॉब्लम है उस तरह से आप इसको ट्रीट करेंगे, वैसे ही मूव करेंगे। प्रेशर स्ट्रांग नहीं देना है, प्रेशर आपका रहना है मीडियम, राइट, मीडियम टू गुड मीडियम, राइट। सो इस तरह से 15-20 टाइम्स एक जगह पर 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं मूव करेंगे। तो इस तरह से आप कंप्लीट करने के बाद इस तरह से जो हमारा नी पोर्शन है, ये मैंने बताया था आपका ST36 स्टमक से रिलेटेड पॉइंट्स आपके, और यहां पर हमारे जो पॉइंट्स जाते हैं सारे ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन पॉइंट्स है, राइट। फुल बॉडी का हमारा कवर होता है, तो यहां से इस तरह से फिर साइड पर 15-20 टाइम्स साइड, देन फ्रंट 15-20 टाइम्स, देन इस तरफ हम करेंगे 15-20। बिल्कुल आप कंफर्टेबली करिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको बार बार एक पॉइंट नहीं प्रेस करना पड़ेगा। इट इज शॉर्टकट, मुझे है कि आपको फिट रखना है बाय एनी इजिएस्ट वे, राइट। मैं आपको बहुत इजी वे बताती रहती हूं जिससे कि आपका कम टाइम लगे। बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता, या आप कभी ऐसा है कि नहीं कर पाते हैं, हेल्थ जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। सो दीज आर सम गुड एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट्स विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो इस तरीके से हमारा ये, इसी तरह से इसमें भी हम पूरा इस तरीके से देन साइड, और इस तरह से आप डाउन भी इस तरीके से मूव कर सकते हैं इजिली इस तरीके से, राइट। अब मैं आपको बता रही हूं ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा स्पाइनल बिग टो से लेकर ये एरिया हमारा स्पाइनल कॉलम है, राइट। एज पर रिफ्लेक्सोलॉजी मैं आपको जो समझा रही हूं, ये मेरे फिर स्पेशल एफर्ट्स हैं आपको समझाने के लिए। हर में मैं ये लेकर नहीं आती हूँ आपको पूरा, मैं आपको फिगर में ही समझाती हूँ एज पर रिक्वेस्ट, तो मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज में आपको शो कर देती हूँ। सो गिव अटेंशन कि मैं आपको समझा रही हूँ, राइट। दिस इज स्पाइनल कॉलम, ये जो शेप बनी है ये हमारा हेड एरिया, देन ये नेक एरिया इस तरीके से। तो आप वहां पर जो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे थे, मैंने कहा था शोल्डर से ये एरिया है वो, तो आपको यहां पर ऐसे इसका एक व्हील इसके ऊपर आएगा और इस तरीके से आप मूव करेंगे बहुत ही जेंटली, राइट, एटलीस्ट 30 सेकेंड to 1 मिनट आप कर सकते हैं। आप देखिए आपका पूरा नेक का ये रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि आप यहां नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक सोल्यूशन है ना, रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे हैंड में और फुट में ही फुल बॉडी के पॉइंट होते हैं, मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो इट इज वेरी इफेक्टिव। इस तरह से आप करेंगे, जितना हो सके अच्छे से आप खुद करिए कोशिश, राइट। तो इस तरह से ऐसे पूरा कंप्लीट, देन इस साइड अच्छे से मूव करके आपको दोनों में अच्छे से करना है, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव टू मेंटेन बॉडी ब्लड सर्कुलेशन, एंड आपकी जो लेग्स हैं वो बहुत अच्छे से रहेंगी। लेग्स के थ्रू हमारा पूरा बॉडी सर्कुलेशन ब्रेन तक जाता है, राइट। सो आपका बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड सर्कुलेशन भी इससे मेंटेन रहेगा। सो आई होप आपको इसके बेनिफिट समझ में आ गए होंगे। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, ये मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से लिया है, राइट। सो आपको किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट ये इसका जो शेप है यही होना चाहिए। बहुत टाइप के आते हैं, बहुत इसमें गैप होता है, राइट। मैं आपको शो कर रही हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिए, अगर बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस होगा तो मे बी नॉट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि बहुत टाइप के आते हैं। स्पाइन मसाजर बोलते हैं, स्पाइन एंड बॉडी मसाजर, राइट। सो इसके जो ये व्हील्स हैं ये इस तरीके से क्लोज ही होने चाहिए, और ये इतना ब्रॉड नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा सा उसके बाद गैप है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट जितना आप क्लोज में लेंगे तो सभी पॉइंट्स हमारे जो वर्टिब्रा हैं कॉलम के सारे प्रेस हो जाते हैं, और जितने हमारे मेरिडियन जा रहे हैं तो किसी भी तरह का इश्यू, आप सोचिए एक जगह जब आप प्रेस कर रहे हैं बहुत सारे मेरिडियन ब्लैडर के पॉइंट्स जाते हैं, तो आप मतलब ये समझिए कि एक एक जगह से आप बहुत सारी जो डिजीज डिसऑर्डर्स हैं उनसे प्रिवेंशन हो रहा है, और है तो क्योर हो रहा है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, टेक केयर।